उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, 19 जो है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आमतौर पे लोग जबरदस्ती करवाते हैं प्रमोटेशन से, हो तो जाएगा प्रमोटेशन से, लेकिन एक और तरीके से प्रमोटेशन से करवा लेते हैं, जान छोड़ा लेते हैं इस क्वेश्चन से, बच्चे भी खुश के सॉल्यूशन हो गया, लेकिन वो मेथड ऐसा होता है कि जो थोड़ी सिचुएशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी हो जाए मेथड बाई हैंड कर ही नहीं पाते, क्योंकि मैनुअल मेथड है, कोई फॉर्मुला यूज नहीं होता उसके अंदर। तो दैट्स व्हाई मैं इसको प्रॉपर मेथड जो है ना, जो बुक में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना बच्चों, मैं पहले मेथड डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो मेथड है, इसको आप कहते हो बैगर्स मेथड। ये बैगर्स मेथड के नाम से भी मशहूर है, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस तरह मैं दोनों की तरह मतलब बता दूंगा क्या मतलब बन गया। दोनों नाम से टॉपिक बताया जाता है, सेम फॉर्मूला यूज होता है, सेम टेक्निक यूज होती है इसके अंदर। तो मैं जरा आपको बताता हूं होता क्या है। ये जो सवाल है ना बैगर्स मेथड, बैगर्स मेथड की हेडिंग क्या होती है कि अगर आपके पास एन आइडेंटिकल कॉइन्स है, एन आइडेंटिकल कॉइन्स है, और आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन ही लिखवा रहा, बस मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं कि एन आइडेंटिकल कॉइन हो जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है आर बैगर्स के अंदर, तो आप ये मेथड यूज कर रहे होते हो। और इस मेथड में करते क्या हो, इसको आप थोड़ा रियल सिचुएशन में समझो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 कॉइन्स हैं एक एक रुपए के सिक्के, और इसमें ये कंसिडर होता है कि आइडेंटिकल कॉइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एक रुपए का सिक्का आपके पास, आपने सब बैगर्स में बांटने हैं, तीन बैगर्स आपके सामने बैठे हैं, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी आप बना लो। मतलब पहले बैगर को आप 5 दे दो, दूसरे बैगर को 3 दे दो, तीसरे बैगर को 2 दे दो, 10 कॉइन पूरे। पहले बैगर को कुछ ना दो, दूसरे को भी कुछ ना दो, तीसरे को 10 दे दो। पहले को कुछ ना दो, दूसरे को 1 दे दो, तीसरे को 9 दे दो। पहले को कुछ ना दो, कोई जरूरत नहीं है, दूसरे को 10 के 10 दे दो, तीसरे को कुछ ना दो। अब इस तरह डिस्क करने लग जाओगे काफी टाइम बच जाएगा। तो ये बेसिकली मैं आपको रियल सिचुएशन में बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी वेज है आपके पास। पहले को 2 दे दो, तीसरे को 4 दे दो, तीसरे को पहले को 2, दूसरे को 4, तीसरे को 4 दे दो, 2, 4, 4, 10 कॉइन हो जाएंगे। तो 10 कॉइन 3 बैगर्स में आप डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैनुअली कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना सिर्फ ये बैगर्स मेथड बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस बैगर्स वाले सवाल है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि आपके पास 10 100 के नोट है, आपने बच्चों में ईदी बांटनी है, 100 के नोट आइडेंटिकल है ना, 10 नोट है, आपके सामने 5 बच्चे हैं, ईदी बांटनी है। अब एक तो तरीका है कि आप इक्वल बांट दो सबके अंदर, इक्वल इन द सेंस कि आप सबको 2-2 नोट दे दो, 10 नोट है आपके पास, 2-2 नोट दे दो, या आप थोड़ा बाइस भी कर सकते हो, अगर लड़कियां हैं तो आप उनको ज्यादा दे दो। हमने बचपन से ही देखा था, हमारी बहनों को ज्यादा ईदी मिलती थी भाई। अच्छा, तो बहनों को आपने एक बहन को 5 दे दिए, दूसरी बहन नहीं, एक बहन को 3 दिए, दूसरी बहन को भी 3 दिए, बाकी जो 2 बेचारे बच्चे हैं डिविजन थोड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन देख लो आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हो डिफरेंट। एक बच्चे से आपका फटा हुआ उसको 2 ही ना, दूसरे ने मोबाइल बहुत यूज करता उसको भी ना दो, 2 बहन है उनको आप 400-400 रुपए दे दो, और जो तीसरा है बेटा उसको आप 200 रुपए, मतलब 2 100 का नोट दे दो, बाकी 2 को कुछ ना दो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी बना सकते हो। इसी तरह सिचुएशन को एप्पल्स में बना देते हो, बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 5-6 एप्पल है, आपने 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ बैगर्स मेथड बोला जाता है, जरूरी कि इसमें बेसिक मेथड है कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप क्या मेथड यूज करते हो, तब हम किस तरह पॉसिबिलिटी निकालते हैं। तो पॉसिबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है कि कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल ये बैगर नंबर 1 है, इसको मैं एज अ बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं, ये बैगर नंबर 2 है, ये बैगर नंबर 3 है। जो बुक में क्वेश्चन नंबर 19 है मैं वही एग्जैक्ट एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि आपके पास 16 रुपीज है ना, ये वाली नहीं देता, अगर आप 3-3 डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, मैं बुक की लेता हूं। बैगर्स कितने हैं यहाँ पे, 3 बैगर्स हैं, नहीं 4 बैगर्स हैं, 3-3 सबको आप दे दोगे 12, पीछे कितने बचेंगे, पीछे 4 बचेंगे। बड़ी इजी एग्जांपल है, चलो मैं अपनी तरफ से बनाता हूं कि आपके पास 8 कॉइन्स हैं आइडेंटिकल, आपके पास 3 बैगर्स हैं, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करने, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। इसको हम स्टार एंड बार्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टार और बार बना रहे होते हो आप। यही मेथड आप कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन में भी यूज कर रहे होते हो। अब ये कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन भी डिस्कस करूंगा मैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में, ज्यादातर आप विदाउट रिपीटेशन डिस्कस कर रहे होते हो। वैसे कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ना प्रमोटेशन में ना कॉम्बिनेशन में, लेकिन इस टॉपिक को बोला जाता है कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन। अच्छा, 8 कॉइन्स है, 3 बैगर्स है, आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कंसीडर कर लो कॉइन्स के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, ये इसको स्टार मेथड कहते हैं, स्टेरिक बना लो या आप क्रॉस बना लो, मैं क्रॉस बना रहा हूं, बनाने में आसानी होगी।
तो फॉर एग्जाम्पल कॉइन रिप्रेजेंट स्टार, आप क्या करो, आपने इस वाले बैगर को कंसिडर करो, ये बैगर इसने हाथ आगे किया है, भाई ये समझ लो, उस बैगर को आपने 3 कॉइन दे दिए, इस वाले बैगर को फॉर एग्जाम्पल आपने 4 कॉइन दे दिए, और इस वाले बैगर को आपने 3 कॉइन दे दिए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल इसको आपने 1 दे दिया, इसको आपने फॉर एग्जाम्पल 5 दे दिए, इसको आपने 4 दे दिए। आखिरी एग्जाम्पल कुछ भी नहीं दिया इसको, कुछ भी नहीं दिया इसको, इसको आपने 10 दे दिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऑब्जर्व करोगे ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि आप यहां पे दो लाइंस लगा दो यहां पे। फॉर एग्जाम्पल आप, मैं पहली अरेंजमेंट बात करूं, पहली अरेंजमेंट ये है कि पहले बैगर को ये दिया, दूसरे बैगर को हमने 4 दिए, हाँ 4, 3, 7, और तीसरे को भी 3 दिए। तो अब ये कर लो कि आप इनके दरमियान वर्टिकल लाइन लगा दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको आपस में, फर्क पैदा कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, एक लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, कितनी दफा डिवीजन करनी पड़ेगी, 2 दफा, 2 दफा काटोगे 3 हिस्से तकसीम हो जाएंगे। तो 3 बैगर्स से आप 2 लाइन लगा दो। अब ये शो क्या कर रहे हैं कि पहले बैगर्स को इतने मिले, दूसरे बैगर्स को इतने मिले, तीसरे बैगर्स को इतने मिले। अब अगर मुझे पॉसिबिलिटी चेंज करनी है तो बस आप ये जो बार्स लगाई है ना आपने, इनकी पोजिशन चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बार को यहां पर लगा देता हूं और इस वाली बार को फॉर एग्जाम्पल यहां पर लगा देता हूं, अब इसका मतलब क्या है, पहले वाले को 1 मिला है, दूसरे वाले को 7 मिले, 1, 7 कर दो इनको, 7 मिले, और तीसरे वाले को कितने मिले, 2 मिले। फिर आप पोजिशन चेंज कर दो इसकी, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे लगा दो और आप बिल्कुल यहां पे लगा दो। अब इसका मतलब क्या है, पहले बैगर को 2 मिले, दूसरे को अब कितने मिले, 7 मिल गए, हाँ अब 7 मिल गए, और इसको 1 मिला है। अगेन कितनी पॉसिबिलिटी, 10 पूरे हो गए क्वाइन। यार मैं एग्जाम्पल 10 की दे रहा हूं और लिखा मैंने 8 है, ठीक कर लेना, 10 क्वाइन है, 10 को मैं भेज रहा हूं, मैं लिखा 8 है यहां पर, ठीक है। तो 10 क्वाइन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3 बैगर्स के अंदर, डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख दी, तो कर क्या रहे हो आप, बेसिकली इन 2 बार्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। तभी आप ये बात, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं बार यहां पे लगा दूं, अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब है कि पहले वाले को 2 मिले, दूसरे वाले को 8 मिल गए, तीसरे वाले को कुछ नहीं मिला। अच्छा अगर मैं बार यहां पे लगा दूं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले को कुछ नहीं मिला, दूसरे को 10 मिल गए, तीसरे को भी कुछ नहीं मिला। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं बार यहां पे लगा दूं, अब इसका मतलब क्या है, पहले वाले को कुछ नहीं मिला, दूसरे वाले को कुछ नहीं मिला, तीसरे वाले को 10 मिल गए। तो कहने का मतलब है आप कर क्या यहां पे, जितनी पॉसिबिलिटी आप निकालना चाह रहे हो वो कैसे आएंगी, आप इन स्टार्स और बार्स को आपस में अरेंज कर रहे हो, यही काम कर रहे हो ना, इनके डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको बता रही है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉसिबिलिटी का आपको क्या मतलब है, पहले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया, तीसरे को 10 दे दिया आपने। इसी बार को अगर मैं लगा दूं यहां पर, तो पहले को कुछ नहीं दिया, दूसरे को 7 दिए, तीसरे को 3 दिए। तो आप कर क्या रहे हो, इन स्टार और बार्स को अरेंज कर रहे हो, तो ये अरेंज करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। किस तरह, 3 टोटल 10 आपके पास स्टार है और 2 बार्स हैं, 10+2, 12, टोटल 12 चीजें आपके पास। 12 को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 12 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से अलाइक है, मैंने पहले बोला था कॉइन सेम है, डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल कॉइन्स है। तो 10 कॉइन जो है वो सेम है, ये बिल्कुल परम्यूटेशन का रूल 2 जो है वो लगा रहा हूं मैं, 10 फैक्टोरियल प्लस ये 2 बार जो है ये भी सेम है, 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये आपके पास आ गया बच्चों फॉर्मूला कॉइंस डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो 10 कॉइंस को अगर आपने 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये पॉसिबिलिटी है, सॉल्व करोगे 12 × 11, 6 × 11, 66 तरीके होंगे, 66 तरीके से आप 10 कॉइंस को 3 बैगर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल है जिसको आप कहते हो बैगर्स मेथड, ये कॉन्सेप्ट है कि बस आपने इनको आपस में अरेंज करना है, जितने वेज बनेंगे वो सब वेज एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा ये वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, इसी चीज को ये भी बोलते हो आप कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या मतलब है इसका, इसी चीज को मैं इक्वेशन में बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल भिखारी नंबर 1 के कॉइन प्लस भिखारी नंबर 2 के कॉइन प्लस भिखारी नंबर 3 के कॉइन कितने होने चाहिए, टोटल 10 होने चाहिए। मेरी एग्जांपल के मुताबिक 10 कॉइंस हैं और 3 बैगर्स हैं, बैगर्स रिप्रेजेंट x1 x2 x3, x1 बैगर, x2 बैगर, x3, इन तीनों के कॉइंस मिला के कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। पहले को 2 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 6 दे दिए, इस तरह 10 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन निकालने, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालने। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी आ सकता है और कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल x1 0 है, x2 0 है, x3 10 है, पॉसिबिलिटी।
फॉर एग्जाम्पल एक्स वन एक्स टू जीरो एक्स थ्री नाइन, फॉर एग्जाम्पल टू प्लस जीरो प्लस एट, फॉर एग्जाम्पल टू प्लस फोर प्लस सिक्स, ये डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं। सॉल्यूशन है ना, जीरो कॉमा जीरो कॉमा टेन, वन कॉमा जीरो कॉमा नाइन। ये बताना चाह रहा हूं इस इक्वेशन के अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं ना, तो आप यही सेम फॉर्मुला यूज करोगे, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे और आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे। और अगर आपने लिस्ट करना है तो वो तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन आपने इस इक्वेशन के निकालने हो, या कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फाइव, कंसिडर कर लो दो भिखारी हैं, दो के अंदर पांच कॉइन आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, टोटल कॉइन्स कितने हैं टेन, इसमें बार्स कितनी आएंगी, दो बार्स आएंगी। इस वाली फॉर्म में ना बार्स को आप समझ लो प्लस का साइन, आप इस तरह भी समझ सकते हो बात को, जैसे भाई तीन बैगर्स हैं तो तीन बैगर्स में दो प्लस के साइन आएंगे, मतलब दो बार्स आती हैं जो आपने यहां पे देखा था। मैं बता रहा हूं अगर इक्वेशन लिखी हो तो उसको स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि टेन और यहां पे कितने प्लस के साइन है, दो साइन है, तो ये कितने हो जाएगा टोटल ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व। और नीचे यहां पे सॉरी सी नहीं लिखना अभी, नहीं मैंने आप लोगों को बताया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वही कॉन्सेप्ट आएगा भाई कि दस कॉइन जो है वो आपस में सेम होंगे और ये दो प्लस के साइन आपस में सेम है, सेम वही फॉर्मूला जो आपने यहां पे देखा था। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों टॉपिक जो है उसके अंदर सेम फॉर्मूला आप यूज करते हो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन भी आप इसी फॉर्मूले से निकालते हो और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल रहे होते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 19 में डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, ये कॉन्सेप्ट होगा। अब मैं दो बातें और बता दूं फिर हम सवाल पे आ जाते हैं। पहली बात कि इसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन दे दे और आपको बोले रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स टू को आपने मिनिमम दो तो देने हैं, दो कॉइन्स आप ज्यादा दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू जो है आपका अपना रिश्तेदारी है, भिखारी हो गया क्या किया जाए, तो दो आपने लाजमी देने हैं उसको, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, दो लाजमी देने, दो से ज्यादा भी आप देख सकते हो लेकिन दो तो लाजमी देने हैं आपने, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एक्स वन एक्स थ्री इनको जीरो भी दे सकते हो, मतलब इनकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए या एक्स थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर मतलब नॉन नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक्स टू जो है वो टू तो होगा मिनिमम, टू से ग्रेटर होगा या टू मिनिमम होगा। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें कौन सा भी होगा या इधर कॉइंस में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भिखारी नंबर टू जो है उसको दो तो देने हैं। अब आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे दस कॉइन है, दस कॉइन दूसरे भिखारी को दे दो, पीछे कितने बचेंगे आठ कॉइन। अब जो आठ कॉइन है वो तीन बैगर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि भाई बैगर टू को दो तो मिलने ही मिलने हैं, वो आपने शुरू में देके जान छुड़ा ली। अब बैगर टू को दो से ज्यादा भी आप दे सकते हो, मतलब आप एक और दे दो उसको, दो और दे दो, चार और दे दो, वही पॉसिबिलिटी है, या आप उसको जीरो दे दो, मतलब सिर्फ आप उसको दो दो शुरू में आपने दे दी उसके बाद आप ना दो कोई मसला नहीं है, मिनिमम दो आपने देने हैं। तो आप क्या करोगे, जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी वो माइनस कर दो, टोटल दस कॉइन थे, दो आप बैगर टू को दे दो, पीछे कितने बचे आठ कॉइन बचे। अब आठ कॉइन आप किसी को भी दे दो इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक और रिस्ट्रिक्शन लग जाए, आपको बोलेंगे यार एक्स वन जो है ना इसको मिनिमम वन तो देना ही है, एक्स थ्री को मिनिमम वन देना ही देना। अब इसका मतलब क्या है कि पहले भिखारी को वन तो लाजमी आपको देना है, वन से ग्रेटर भी दे सकते हो, दूसरे को आपने टू लाजमी देना है, तीसरे को आपने वन लाजमी देना है। तो आप क्या करो, शुरू में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये बांट दो आप कि पहले को एक बांट दिया, दूसरे को दो बांट दिया, तीसरे को एक बांट दिया, तो दस कॉइन थे, चार आपने बांट दिए, पीछे छह बचे। अब इन छह की चॉइस है आपके पास कि आप किसी को भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल छह में से दो इसको दे दो, दो इसको दे दो, दो इसको दे दो, इन छह में से चार इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो अब अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना आप, रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपकी इक्वेशन ये बनेगी कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू सिक्स, क्योंकि चार आपने बांट दिए, वो शुरू में आप खा गए, दे दिया आपने बैगर्स को। अब इक्वेशन क्या बनेगी, सिक्स। अब आपने छह पॉइंट बांटने हैं उन बैगर्स के दरमियान, अब इक्वेशन ये बन जाएगी। तो सेम इसका वही कॉन्सेप्ट होगा, टोटल छह है, दो यहां पे प्लस के साइन है, एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला बन जाए, ये बैगर्स मेथड है। तो एक बात ये मैंने बताई और दूसरी बात ये कि इसको आप इसी फॉर्मूले को जो मैंने परमुटेशन से करवाया है, इसको आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। आप कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकते हो, मैं कॉम्बिनेशन को छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना एनसीआर, इसका मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात आपको शायद जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा दूं तब ज्यादा अच्छे समझ आए, तो बाद में देख लेना, लेकिन मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूं तो टोटल पूरा बताना चाह रहा हूं इसके अंदर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं 12C2, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, तो 12C2 का मतलब क्या होगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर, यहां पर क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 क्या 10 फैक्टोरियल। सेम यही चीज आपने तो यहां पे भी देखी थी जो परमुटेशन के फॉर्मूले में आपने देखा था, 12 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 2, सेम वही कॉन्सेप्ट वहां पे आप देख रहे हो। तो कहने का मतलब सेम चीज जो आपने यहां पे पढ़ी है परमुटेशन के फॉर्मूले से, सेम उसको आप कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हो। जनरल फॉर्मूला इसका बताया जाता है, वही जनरल फॉर्मूला में लिखने लगा। इसका जनरल फॉर्मूला ये बताया जाता है कि ये जो 12 है, ये 12 कैसे आया, 12 कैसे आ रहा था, n कॉइंस थे, बार्स कितनी थी उसके अंदर, बैगर्स r थे ना, तो जितने बैगर्स थे उससे एक कम बार है, बैगर तीन थे तो बार आपने कितनी लगाई है, दो लगाई है, तो बार कितनी लगानी है आपको, r माइनस वन। तो ये टोटल रिप्रेजेंट करेगा, ये जो बार आपके पास लिखा ना ये कैसे आया था, 10 कॉइंस थे और r माइनस वन बार थी, r मतलब 3 माइनस 1, तीन बैगर थे, एक बैगर से एक कम बार होती है, तो ये टोटल थे आपके पास, तो 12 आपके पास जो लिखा है। फिर कॉम्बिनेशन, दो का मतलब क्या है, जितने बैगर्स सॉरी जितनी बार्स हैं आपके पास, बार्स कितनी, r माइनस वन। तो सेम इस वाले फॉर्म, इस वाले फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन की जनरल फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो, ये फॉर्मूला नॉर्मली बताया जाता है। तो ये मैंने पहले बताया नहीं था क्योंकि मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसी मेथड से, क्योंकि अभी परमुटेशन में कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन का बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया दे रहा हूं, जब कॉम्बिनेशन पढ़ लो तब भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो सेम इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, और इसको लिखने का एक और तरीका भी है जो आपको कॉम्बिनेशन में पता चलेगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, सेम इस फॉर्मूले को, एन प्लस आर माइनस वन कॉम्बिनेशन एन, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप 12C2 लिखो या 12C10 लिखो, ये एक ही बात होती है। तो 10 का मतलब n, 10 रिप्रेजेंट कर रहे क्वाइंस को, तो आपके पास n क्वाइंस थे, तो इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो। ये मैंने बताया आपको टोटल कंप्लीट किया, कोई और मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको एक मेथड पूरा क्लियर हो जाए क्या क्या चीज है। हम क्वेश्चन नंबर 19 को किस तरह करेंगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉम्बिनेशन में घुसेंगे नहीं, लेकिन सेम चीज आप कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो, 12C2 का आंसर निकालो या आप इसका आंसर निकालो, सेम ही आंसर आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बैगर्स मेथड में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 19 में, इन हाउ मेनी वेज कैन 16 रुपीज, कंसिडर कर लो 16 रुपीज क्वाइंस है आपके पास, ये इसके अंदर इंप्लाइड है, 16 रुपीज है मतलब 16 रुपए के 16 क्वाइंस है, बी डिवाइडेड अमंग बैगर्स, जो आपने बैगर्स के अंदर डिवाइड करने हैं, सो दैट नो टू बैगर शेल रिसीव। अच्छा यहां पे ना बुक में वर्डिंग मिसिंग है, 16 रुपीज भी डिवाइडेड अमंग बैगर्स लिखा हुआ है, उसको 4 कर लेना, अमंग 4 बैगर्स, सो दैट नो बैगर शेल रिसीव लेस देन 3 रुपीज, बुक में लिखा हुआ लेस देन रुपीज 3 लगा देना, मतलब 4 बैगर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 16 पॉइंट्स, जिसमें मिनिमम 3 तो हर एक को मिलने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है, लिखते हैं इसको। तो 19 में नंबर ऑफ रुपीज आप कर लो, लेकिन जहन में वही कॉन्सेप्ट बनाना कि कॉइंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एन है आपके पास, ये एन है 16, नंबर ऑफ बैगर्स, बैगर्स कितने हैं भाई आपके पास, आर जिसको आप बोलते हो 4 बैगर है। अच्छा रिस्ट्रिक्शन क्या है, लाइट चली गई लेकिन पढ़ाना जरूरी था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि 16 रुपीज है आपके पास और 4 बैगर्स है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि हर बैगर को 3 तो आपने देने ही देने हैं, मतलब 3 से कम तो आपने देने ही नहीं है, मतलब 3 तो आप शुरू में ही दे दो उनको, उनको तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में कि एवरी बैगर मस्ट हैव 3 रुपीज, 3 रुपीज तो आपने शुरू में दे दिए, ठीक है, तो रिमेनिंग रुपीज कितने होंगे जो आपने डिवाइड करने हैं। भाई देखो टोटल आपके पास 16 रुपीज थे, 4 बैगर्स आपके सामने खड़े हैं, आपको बोला जा रहा है कि 3 3 तो आपने मिनिमम देने, आपने 3 पहले को दिए, 3 दूसरे को दिए, 3 तीसरे को, 3 चौथे को, 12 तो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिमेनिंग क्वाइंस कितने हैं, रिमेनिंग क्वाइंस आपके पास हैं 4, क्योंकि 12 तो आपने शुरू में बांट दिए, उनको तो कोई आप अपनी पसंद से डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, 3 3 तो आपने ऑलरेडी दे दिए उनको, अब पीछे 4 क्वाइंस बचे और उन 4 क्वाइंस आपकी मर्जी है 4 बैगर्स में किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल बैगर 1 को एक क्वाइन दे दो, बैगर 2 को भी कुछ ना दो, बैगर 3 को भी कुछ ना दो, बैगर जो 4 है उसको आप 3 दे दो तो 4 हो जाएंगे, बैगर 1 को कुछ ना दो, 2 को भी कुछ ना दो, 3 को कुछ भी ना दो, चौथे को 4 दे दो, बैगर 1 को 1, 2 को 1, 3 को 1, 4 को 1, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब जो बाकी 4 क्वाइन बचे वो आपकी मर्जी है, आप किसी तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट बन गया, 4 क्वाइंस है तो आप ये समझ लो कि बाय यूजिंग, अब देखो ये आपकी बुक में मेथड डिस्कस नहीं है लेकिन आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो, बाय यूजिंग स्टार एंड बार्स मेथड, जिसमें आप स्टार एंड बार्स बनाते हो
आप ये लिख सकते हो कि आपके पास कितने कॉइन्स हैं, आपके पास चार कॉइन्स हैं और आपने चार बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैं एक अरेंजमेंट लिख रहा हूं। इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है जरा देख लेते हैं। इस अरेंजमेंट का मतलब है कि पहले को कुछ नहीं मिले, दूसरे को दो मिले, तीसरे को एक, चौथे को एक। अब ये वन ऑफ द अरेंजमेंट मैंने लिखी है, मैं लिख देता हूं वन ऑफ द अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई दूसरी अरेंजमेंट लिखना चाह रहे हो तो इस तरह कर लेते हैं, चार कॉइन्स है आपके पास, आप इस तरह कर दो। अब इसका मतलब क्या है, पहले को एक, दूसरे को एक, तीसरे को दो, चौथे को कुछ नहीं। यहां आप ये बात ना लगाओ ये गलत हो जाएगा, इस तरह लिखो कि पहले, क्योंकि आप एंड पे दोबारा बार नहीं लगाते ना, तीन ही बार लगाते हो, चार बैगर है तो तीन बार लगाओगे कि पहले को एक मिल गया, दूसरे को एक मिल गया, तीसरे को दो, चौथे को कुछ नहीं मिला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और आप बना सकते हो, वन ये तीन बार लगा दो। इसका मतलब क्या, पहले को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक, चौथे को एक, मतलब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। तो एक पॉसिबिलिटी आपने शेयर कर ली कि भाई ये वन ऑफ द अरेंजमेंट मैंने आपको बता दी। अब आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालो, नंबर ऑफ वेज और नीचे लिख दो टू डिस्ट्रीब्यूट फोर कॉइन्स, फोर रुपीज लिख दो अमंग फोर बैगर्स, चार बैगर्स के अमंग आपने चार रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या फॉर्मूला होगा, अभी आपने देखा है टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल सेवन है, तो सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय चार, इसमें से सेम है आइडेंटिकल है फोर फैक्टोरियल, और तीन बार आपस में सेम है थ्री फैक्टोरियल। बस आप इसको सॉल्व करो, 5040, फोर जो हो जाएगा 24, थ्री हो जाएगा सिक्स। बस इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में तो अभी नहीं है, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए उसको डब्बा बना देना, उतने वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो चार कॉइन्स अमंग फोर बैगर्स। शुरू के जो 12 कॉइन थे वो तो ऑलरेडी आपने दे दिए। ठीक है बच्चों, तो 7.2 डिटेल में मैंने कंप्लीट करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।